चलिए आज हम बनाते हैं मूंग दाल का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जिसको बनाना बहुत आसान है और आपको मिलेगा मूंग दाल के साथ मेथी दाना, ढेर सारी सब्जियों का फायदा। तो बिना देरी किए हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप मूंग दाल और 1 चम्मच मेथी दाना हमने डाल के रात भर के लिए भिगो दिया था। और वैसे आप चाहेंगे तो 3-4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, उतने में भी फूल जाता है। तो देखिए हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसको 2-3 पानी धो लेंगे, उसके बाद हम पीसेंगे। देखिए ऐसे नाखून लगाएंगे ना तो अच्छे से ये फूल चुका है। तो चलिए इसका पानी निकाल के धो लेते हैं। तो देखिए ये हमारा धुल गया बढ़िया से। और अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें सारा दाल डाल देंगे। सारा दाल हम डाल देते हैं मिक्सर जार में और उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये 4 हरी मिर्च है, इसको तोड़ के डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा और ये 10-12 काली मिर्च डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। इसको हम काट के डाल देंगे छोटा छोटा करके, ताकि बढ़िया से पिस जाए। काट के डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसमें ये 2 कली लहसुन है, ये बहुत बड़ा बड़ा है, ऐसे आप अगर मीडियम साइज का लेंगे ना तो 4 कली डाल सकते हैं। इसको हम 2-2 टुकड़ा करके डाल देंगे ताकि ये भी बढ़िया से पीस जाए। और इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए ये हमारा पीस चुका है। हमने पीसते समय 2 चम्मच पानी डाला था। तो देखिए हमारा अच्छे से दाल पीस चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। ये देखिए ये मोटी वाली सूजी है, आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये 1 कप डाल देते हैं इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दही। दही आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, फ्रेश दही भी डाल सकते हैं और थोड़ा खट्टा हो तो वो भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। और इसको हम मिला देंगे, बढ़िया से मिला देंगे। और उसके बाद मिलने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा हींग डाल देंगे 2-3 पिंच के करीब। और उसके बाद 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और ये 1/2 चम्मच अजवाइन है, इसको क्रश करके डाल देंगे। और अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 पैकेट मैगी मैजिक मसाला। और उसके बाद हम हरा धनिया काट के डाल देंगे बारीक बारीक, ये 2 बड़े चम्मच के करीब होगा। और चलिए अब हम सब्जियां डालेंगे। तो ये हमारा 1 मीडियम साइज का प्याज है और 1/2 येलो शिमला मिर्च और 1/2 ग्रीन शिमला मिर्च। और ये हमने 1 छोटे साइज का गाजर लिया था, इसको बारीक कर लिया है, डाल देंगे। और 1 मीडियम साइज का टमाटर है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब हम इन सबको बढ़िया से मिलाएंगे, जब तक अच्छे से मिल ना जाए मिलाते रहेंगे। तो आप इसमें चाहें तो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा होता है। और चलिए ये हमारा मिक्स हो गया, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमने 1/2 कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पहले मिला लेंगे बढ़िया से और ये जो बाकी का पानी है ना वो भी हम डाल देंगे और बढ़िया से हम मिला देंगे। टोटल हमने यहाँ 1/2 कप पानी का यूज किया है और पहले हमने पीसते समय 2 चम्मच पानी का यूज किया था। तो देखिए ये हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसको रख देंगे रेस्ट पे 5-10 मिनट के लिए, ताकि सूजी हमारी फूल जाए बढ़िया से। तो देखिए 10 मिनट रेस्ट होते हुए हो गया है। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। बेकिंग पाउडर के जगह पे आप चाहें तो 1/2 चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है बेकिंग पाउडर। अब हम चलते हैं गैस के पास, इसको बनाते हैं। तो गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो इसमें हम 1 चम्मच के करीब डाल देंगे और इसको हम गर्म होने देंगे। तो देखिए गर्म होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच सरसों दाना यानी राई, ये 1/4 चम्मच है इसलिए 2 बार डाल रहे हैं। और उसके बाद हम इसमें तिल डाल देंगे
तो तिल भी हम आधा चम्मच डाल देंगे, और तिल डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे बारीक कटा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे एक दो चुटकी, और उसके बाद हम ये बेटर डाल देंगे 2.5 से 3 कलछी, और डाल के उसके बाद हम इसको फैलाएंगे बढ़िया से, चारों तरफ फैला देंगे एक जैसा। और एक जैसा फैलाने के बाद अब हम इसको इस बेचुला से ऐसे सब किनारी ठीक कर देंगे, देखिए ऐसे। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे 4-5 मिनट के लिए एकदम सिम गैस पे। ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए ऊपर से एकदम बढ़िया से सिक गया है, एकदम सूखा सूखा सा दिख रहा है ना। अब हम इसको ऐसे छुड़ा लेंगे, और छुड़ाने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसमें और थोड़ा सा हल्का सा रिफाइन ऑयल डालेंगे, और फिर से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता और सफ़ेद तिल इसमें है लेकिन और थोड़ा थोड़ा हम डाल रहे हैं, एक एक दो दो चुटकी। और फिर उसके बाद हम इसको पलट के डाल देंगे ऐसे जिस तरफ से नई सीका है। और उसके बाद हम इधर से भी ढक के पका लेंगे 4-5 मिनट के लिए। और गैस हमारा सिम ही है, हम सिम गैस पे ही पका रहे हैं। टोटल हमें पकाने में इसको 9 से 10 मिनट लग चुका है, और 9 से 10 मिनट में अच्छे से एकदम सिक के तैयार हो जाता है। देखिए इसका कलर क्या एकदम मस्त सिका हुआ है, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब हम ऐसे ही बना लेंगे बाकी का जो बचा है, ऐसे ही सेम प्रोसेस से हम सारा बनाते जाएंगे। मूंग के फायदे तो सबको पता है, ये प्रोटीन से भरपूर होती है, पचाने में आसान होती है, कम कैलोरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट से मालामाल होती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, ऐसे अनेक फायदे ये छोटी सी दाल देती है। तो लीजिए ये हमारा मूंग दाल का नाश्ता तैयार है, एकदम सेहत और स्वाद से भरपूर, और इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, मांग मांग के खाएंगे। देखने में ही ऐसा मन कर रहा है कि अभी खा ले, लेकिन अभी तो इसको सूट करना है। देखिए इसको हम दोनों तरफ से दिखाते हैं आपको, ये कितना अच्छे से एकदम बढ़िया से पका हुआ है एकदम अंदर तक। इसको तोड़ कैसे दिखाते हैं, देखिए इधर भी अंदर भी बहुत बढ़िया से पका है, देख रहे हैं ना, बहुत मस्त बना हुआ है। टेस्ट तो बहुत अच्छा है इसका, देखिए सब्जी, बहुत सारी सब्जियां हैं इसमें। और हाँ, इसको आप बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी सब्जियां भी है, और मूंग का तो फायदा पता ही है आपको। तो आप भी इसे ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।